बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही कठिन रचना। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी अगली प्रस्तुति के लिए। अगली प्रस्तुति है स्वरार्थ प्रबंध। तानपुरा लगा दो बी में और तबले में कृष्ण कुमार जी को थोड़ा सा विश्राम देंगे ताकि वो पानी और चाय पी सके। और वेदांत सिंह को आमंत्रित करते हैं मंच पे। स्वरार्थ प्रबंध ऐसी रचना होती है जिसमें स्वरों को इस प्रकार से उसकी सेटिंग की जाती है कि वो कोई सार्थक शब्दों का रूप ले ले। समझ में आया डोरिसा? नहीं आया? जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे नाम से बन सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि मेरा नाम क्या है? रागिनी सरना। तो उससे कैसे बनेगा? रेगनी और सारे नी। आया समझ में? नहीं आया? जैसे मान लो कि मेरा नाम क्या है? रागिनी। तो मेरे नाम में कौन कौन से स्वर है? रे, ग और नी, फिर सा रे नी से स र ना। तो ये इस प्रकार की रचना होती है और इसको भी बनाना गाना बहुत ही कठिन है। ये गुरुजी की बहुत ही प्रिय रचना है रागपुरिया में। ना मांगू धन मद मांगू, तो क्या हो गया? नी माग धनी मध मग। तो लीजिए, मंच पर उपस्थित हैं कलाकार शशांक, हाथ जोड़िए, यश और शमन। Yeah.
Dale, dale, dale.